हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे चार बेहतरीन स्टॉक नहीं एक दो तीन चार पांच पांच से छह बेहतरीन सिक्स बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत अच्छे सपोर्ट साथ ही साथ उनमें कुछ तरह का पैटर्न है जो कि आपको देखना पड़ेगा। आप अगर उसको हर बार करेंगे तो आप उस स्टॉक में और या फिर उसके फ्यूचर्स में या उसके ऑप्शन में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो को आपको जरूर देखना पड़ेगा कि जो जो दो स्टॉक है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि अगर आपने हमारी एक्यूरेसी देखी, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को वॉच किया है, अगर आप चाहते हैं अकाउंट ओपन करके काम करना तो आप अकाउंट ओपन कहीं भी करें, बट अगर आप भी स्पेसिफिक अगर आप किसी को देख रहे हैं और अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसी के साथ करें ताकि आपको फायदा हो और आप भी काम कर सके और अगला भी आपको प्रोत्साहित कर सके और आप और भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़कर बहुत सारे लोगों को जोड़कर आप खुद भी और अपना भी और दूसरों का भी फायदा कर सके। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये अकाउंट ओपन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यूज कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड, सो इक्विटी डेरिवेटिव ही एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जो कि पैसे बना के देता है 100% to 200%। अदरवाइज सो मेनी ऑप्शंस भी है लाइक अ पीपीएफ 8% ईयर, 4% सेविंग बैंक अकाउंट, 15% और 12% इन अ म्यूचुअल फंड, बट इन अ डे 50%। आपने बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट हमारे देखे होंगे जो कि वहां पर आपको मिले होंगे जिसमें आपको गेम भी पता चला। तो दोस्तों अगर अगर आपको काम करना है हमारे साथ जुड़कर तो दोस्तों ये लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और घंटे का निशान दबा दे ताकि आप हमारे साथ जुड़कर काम कर सके। दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले हम कोटक बैंक के बारे में बात करेंगे। कोटक बैंक एक अच्छा खासा शेयर है जो कि अभी भी सपोर्ट यहां से ले रहा है और अगर इसी तरीके से रहा तो ये अपने प्रीवियस हाई को इजी गोइंग में छू लेगा। ये देखिए एक दिन में उसने एक कैंडल दिखाया था, बट इस कैंडल इज नॉट दिस इज आप समझ लीजिए कि दिस इज अ फ्रैक ब्रेकआउट अकॉर्डिंग टू दैट टू कैंडल्स। ओके, सो मे बी अगर ये अल्टीमेट नहीं क्लोज देता है तब तक तो अगेन वापस आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो चलिए अभी हम जिस शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे साथ ही साथ अब हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आप क्यों जो शेयर्स है उनको वॉच करना है, जो दूसरे शेयर्स है वो कौन से है और वो जो शेयर्स के नाम है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले है देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी, पहले थी अभी दूसरी है बट आज भी उसका नाम तो है क्योंकि उसका जो मर्जर हुआ है या हम कहें उसने जिसके साथ जुड़े हैं वो है वोडाफोन जो कि विश्व की नंबर वन या विश्व की बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों ये आदित्य बिरला जी की कोई गलती हो गई थी या कुछ भी हुआ था, ये शेयर्स का भाव जहां से भी था 16, 17, 18, 20 रुपए, 50 रुपए, फिर उन्होंने उसको 20 रुपए में स्प्लिट किया, उसके बाद ये भाव 6 रुपए, 3 रुपए आ गया, 8 रुपए। दोस्तों अभी भी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में, ये देखिए आप मल्टीपल सपोर्ट लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है और आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे यही रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यू कैन अक्यूमुलेट इवन यहाँ पर। देखिए मूवमेंट जब किसी स्टॉक में स्लो होना शुरू होता है तो वहां पर कैंडल्स लेस बनना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी होने लग जाती है, तो हो मे बी इट विल गो अगेन फर्दर। और अगर ये 6 रुपए 80 पैसे इफ यू विल सी द प्राइस ऑफ 6 रुपीज 80 पैसे देन यू कैन बाय विद द टारगेट ऑफ 7 रुपीज 40 पैसा, 8 रुपी एंड 8 रुपी प्लस टारगेट यू विल थिंक। अगर आपको स्टॉप लॉस रख के साथ काम करना है तो यू विल थिंक यू विल टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ ₹5, दिस दैट इज मैक्सिमम नॉट अ मिनिमम, बट ये पैटर्न के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं और करीबन 6 रुपीज से लेके 8 रुपीज तक यानी 1.2 रुपीज और एज कम्पेयर 20% और अपसाइड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टॉक, द नेक्स्ट स्टॉक इज दोस्तों BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों दिस इज ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी बट अभी इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि दोस्तों दिस इज ऑन द सपोर्ट लेवल। ओके, एंड This is the range where the stock is moving, okay, and upper side the range. You are seeing three equal range here with the same gap, okay. So यहीं से ये घूमता है, यहाँ तक जाता है और अगर ये ब्रीच करता है तो 550 के लेवल आता है। आपने यह देखा यहाँ से गया ब्रीच किया तो ऊपर के लेवल आया, देन अगेन वहां पर नहीं सस्टेन हुआ नीचे आया, देन अगेन वापस अपसाइड। सो दोस्तों इस स्टॉक को आप अक्यूमुलेट कर सकते हो बट यहाँ पर आपको छोटा सा मूवमेंट चाहिए जो कि अराउंड
क्लोज 490 रुपए के प्लस के ऊपर होना चाहिए। अगर 490 रुपए प्लस के ऊपर ये स्टॉक हमें दिखता है तो वी विल गो फॉर द टारगेट ऑफ 520-550 इज द मैक्सिमम टारगेट। ओके ठीक है, द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक पर जाने से पहले हम जो चीज देखेंगे दोस्तों वो है हमारे लिए कि भैया हम आपको यहाँ पर जो हेल्प कर रहे हैं टेलीग्राम पर, बहुत कम चैनल्स ऐसे हैं जो कर रहे हैं, बाकी सिर्फ करते जरूर है ऐसा नहीं है, बट वो आपको व्यू शेयरिंग करते हैं, कॉल शेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे कॉल शेयर करते हैं तो ये उनका गुडनेस है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो अगर आप उसको किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैसा कमा भी लेते हैं तो कहाँ फर्क पड़ रहा है, किसी के जेब से तो नहीं जा रहा है, मेरे ज्ञान से जा रहा है, ठीक है चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके के पोजिशनल व्यूज, कॉपर व्यूज, गोल्ड व्यू, एवरीथिंग वी आर सजेस्टिंग हियर। देखिए तो हम यहाँ पर देखिए जैसे जेबी फार्मा केम का कॉल दिया था आपको, एमएसएफएन पोजिशनल व्यू है दोस्तों, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बर्जर का दिया था आपको, सद्भाव इंजीनियरिंग दिया है, बहुत सारे, इवन मारुति दिया था, बजाज फिनसर्व तो सेम डे, कॉपर टू टाइम्स ने उसने आपको 5 रुपए का गेन दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर तो दोस्तों ये देखिए सिल्वर, सिल्वर में आपको करीबन 1000 पॉइंट तक की रैली मैंने आपको दिखा दी है, तो अगर हम उसे समझे तो 30,000 रुपीज होता है। अगर अडानी पोर्ट, अडानी का फ्यूचर्स आपको दिया था ये देखिए, तो 205 रुपए से 226 रुपए के कुछ आए थे बने हैं उसमें। तो सो इस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमारी भी हेल्प कर सकते हैं अकाउंट ओपन करके, काम उस अकाउंट में काम करेंगे तो इट विल बी अ वेल बेनिफिट फॉर मी और यू कैन यूटिलाइज अवर माय सजेशन आल्सो, बट इट्स नॉट फोर्सफुल, इट्स जस्ट अ व्यू, आपको चाहिए तो करिए, अदरवाइज तो दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्टॉक इज व्हाट, नेक्स्ट स्टॉक इज जुबिलियन फूड, मैकडोनल्ड्स, 30 मिनट्स अदरवाइज पिज्जा विल बी फ्री। देखिए ये देखिए सेम यहाँ पर और यहाँ पर, मैं ऐसे स्टॉक इसीलिए आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता हूँ ताकि आप इसका यूटिलाइज कीजिए। 1575 रुपए से 1650 रुपए, ये टारगेट के हिसाब से आप देखिए कि मुझे कहाँ निकलना है, आप इसको यूज कीजिए। अगर यहीं से घूमने की कोशिश करता है, यू कैन चपक इट योर प्रॉफिट। ओके द नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी मैंने दोस्तों बहुत दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ओपन टारगेट कॉल दिया था 620 या 680 रुपए से, आप देखो वो भाव का है 900 रुपए हिट कर दिया, इस रेंज के आसपास कहीं दिया था, और आप देखो उसको अभी भी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर सकता है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है देन दिस विल अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एट 800 और 810 लेवल। ओके देन अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 850 और 900 प्लस। ओके बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टॉक, भैया चलता है तो चलता ही है, रगड़ देता है बट गिरता नहीं है, और गिरता है तो फिर संभलता नहीं है जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो दोस्तों बट ये देखिए अभी चला, फिर थोड़ा हुआ फिर चला। दोस्तों स्टॉक में आपको इसीलिए ऐसे सजेस्ट करता हूँ ताकि पैसा बने दबा के, बट स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के तो आपने शायद इंश्योरेंस करा होगा, द इंश्योरेंस इज योर स्टॉप लॉस ऑफ योर लाइफ। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा तो लाइफ कट जाएगी, नुकसान हो जाएगा और पैसा कुछ भी नहीं आएगा, बट अगर स्टॉप लॉस में आपने प्रीमियम ली है तो प्रीमियम का उसको आपको कंपनसेशन या जो व्हाटएवर जो भी समझो पैसा मिल जाता है। चाहे मैं ही हूँ क्यों ना हो, मैंने भी इंश्योरेंस लिए हुए, मैंने भी टर्म प्लान लिए हुए हैं, तो मे भी अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी फैमिली को जरूर पैसा मिलेगा। तो ये देखिए एक रेंज है आपको हेक्सावेयर की, जो कि आपको ये आइडेंटिफाई करा रही है कि भैया मुझे इस लेवल पर जरूर हाथ आजमाइश करनी चाहिए, जोर आजमाइश करनी चाहिए, और टारगेट के लिए 340 350 तक के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। द नेक्स्ट और वेरी प्रॉमिसिंग एंड गुड स्टॉक ऑलरेडी सजेस्टेड बट एक और स्टॉक है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में क्या है, अपोलो हॉस्पिटल, देखिए अपोलो हॉस्पिटल इज अ गुड स्टॉक, आप देखेंगे इसके करीबन 100-150 रुपए के मूवमेंट अच्छे आते हैं। दोस्तों इसमें कुछ है जो कि हो सकता है बिकॉज ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता है डेली चार्ट पर, और अगर ये सपोर्ट लेता है एंड आइडेंटिफाइड तो यूर प्रोमिसिंग टारगेट इज 1420-1450। बिकॉज यहाँ पर देखिए एक रेंज है, और आप यहाँ न ले तो जरूर यहाँ आने का वेट कीजिए 1350 के आसपास का, आपको 1, 2 एंड 3 मतलब आप इसको बॉटम बोलिए, बट यहाँ पर भी मल्टीपल बॉटम है जो कि उसने तो ब्रीच कर दिया, बट मल्टीपल बॉटम्स का सपोर्ट थ्री बॉटम्स जिसे बोलते हैं, अगर आपको सपोर्ट लेता है देन अगेन इट विल बी रॉकेट फॉर द टारगेट ऑफ 1420-1450 एंड 1500 आई एम सजेस्टिंग यू। ओके तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, थैंक्स अ लॉट।
वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।